नमस्कार, इस समय तस्वीरें देख रहे हैं नेशनल हाईवे से। नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें हैं। एक हरियाणा रोडवेज की बस किस तरह से जो है वो फ्लाईओवर के ऊपर से चढ़कर नीचे गिरती है, और सवारियां देख सकते हैं किस तरह से यहां पर अब जरूर घायल हुई हैं। आप तस्वीरों में लाइव देख पा रहे हैं, हरियाणा रोडवेज की बस है और HR61D01505 इस बस का नंबर है। क्या हुआ बाबू जी, कैसे गिरी है बस? भाई कैसे गिरी भैया? ये ना उधर से आ रही थी। हाँ जी, आईटी चौक से दिल्ली की तरफ जा रही थी जी। तो आगे गाड़ी वाला था जिसका गाड़ी का नंबर है TL3CCL8095। हाँ जी, इस गाड़ी में सवार थे जी 5 लोग। अच्छा, 5 लोग। तो ये ना पहले गाड़ी तो धीरे से ले गया रहा था। हाँ। लेकिन इसने मोड़ पे आगे ना एकदम कर दी, मतलब की स्पीड में कर दी गाड़ी, और गाड़ी को बचाने के चक्कर में गाड़ी और खड़ी थी इसके पीछे। गाड़ी को बचाने के चक्कर में रोडवेज वाले भाई ने, ड्राइवर साहब ने इसमें उतार दी। रोडवेज वाले की कोई गलती नहीं, गाड़ी वाले का नंबर मैंने जो अभी आपको नंबर देना, गाड़ी वाले की गलती है, उसके कारण ये तो सवारियां चोट भी लगी है। सवारियां भगवान की कृपा से ठीक ठाक है सारी, भगवान का शुक्र है, सवारियां सभी ठीक हैं, भगवान का इतना शुक्र जरूर है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं जो ड्राइवर कंडक्टर यहां पर मौजूद है, डायल 112 की दो दो गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं, और बस देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी को बचाते बचाते किस तरह से जो है साइड में उतर जाती है। आप चला रहे थे बस जी, कैसे गिरी है, क्या हुआ था? वो कार वाला कट मार गया जी आगे, कार वाला। कौन सी गाड़ी थी वो? गाड़ी थी काले रंग की। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं तो चंडीगढ़ से भिवानी जा रहा था। चंडीगढ़ से भिवानी जा रहे थे, एकदम कट मारा उसने जी। तो जिस कारण आपको उतारनी पड़ी बस बचाव के लिए, सवारी को चोट लगी है? नहीं जी, किसी सवारी को चोट नहीं लगी। कंडक्टर ड्राइवर सेफ है दोनों? दोनों सेफ है। आप देख पा रहे हैं सभी के सभी सुरक्षित जरूर है, इतना शुक्र जरूर है। आप हालांकि देख सकते हैं सभी की सभी सवारियां इसके अंदर सवार थी, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी थे। किस तरह से ये बस जो है अचानक से एक गाड़ी आगे आ जाती है, जिस कारण इस गाड़ी को साइड पर उतारना पड़ता है। बच्चे का देख सकते हैं बचाव है। आप भी सवार थे इस बस में, चोट तो नहीं लगी? बच्चे सुरक्षित है सभी? कहाँ जा रहे थे आप? रोहतक जा रहे थे। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी इसके अंदर सवार थे, अचानक से एक हादसा हो जाता है। आईटीआई चौक के पास की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नेशनल हाईवे पर ये बस किस तरह से जो है उतर जाती है। डायल 112 की टीम भी यहाँ पर मौके पर है। फिलहाल अब जो सवारियां हैं उन्हें बिठाया जरूर जा रहा है, देख सकते हैं बस रुकवा कर सवारियों को बीच में बिठाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे थे, भगवान का इतना शुक्र रहा, बुजुर्ग थे, सभी के सभी सुरक्षित रहे। किस तरह से देख सकते हैं अब बस को रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बस के अंदर जो है वो सवारियां बिठाई जा सके। बस किस तरह से साइड पर खदानों में उतर जाती है जी हाँ। हालांकि कुछ चालक और सवारियां, इनका कहना था कि जो आगे गाड़ी वाला था, जिस गाड़ी के कारण ये हादसा हुआ है, वो मौके से फरार हो जाता है। दिल्ली नंबर गाड़ी बताई जा रही है, और डायल 112 की 435 नंबर गाड़ी मौके पर है। बस देख सकते हैं सवारियां कितनी थी इसके अंदर? 41 सवारी थी, बच्चे भी थे, सभी थे। आप देख पा रहे हैं बचाव जरूर रहा है, भगवान का कितना बड़ा शुक्र है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बस किस तरह से जो साइड पर खदानों में उतर जाती है, और सवारियां पूरी लोड थी, और चंडीगढ़ से बस भिवानी की तरफ जा रही थी। सवारियां देख सकते हैं किस तरह से अब दूसरी बसों को रुकवाया कर यहाँ पर बीच में बैठाने का प्रयास जो किया जा रहा है। आईटीआई चौक के पास ये हादसा जो देखा गया है, और आपको बता दूं देख सकते हैं हरियाणा रोडवेज की बस थी, आगे एक स्विफ्ट गाड़ी जो है वो बताई जा रही है, स्विफ्ट गाड़ी है वो बताई जा रही है। आपके पास फोटो भी है स्विफ्ट की? फोटो भी है आपके पास, दिखाना। आप ये देख सकते हैं ये स्विफ्ट गाड़ी है, ये आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए गाड़ी का नंबर है DL3CCL8095, ये गाड़ी का नंबर है, और ये गाड़ी को प्रयास किया गया रोकने का पर रुकता नहीं है। और वीडियो भी आपके पास है? वीडियो हमारे पास जाते हैं, ये मैं भी दिखाता हूँ आपको। अभी यह देख सकते हैं जो सवारी थी उन्होंने वीडियो भी बनाई है, जरूर वीडियो बनाइए, ब्राइटनेस तेज करो। आप देख सकते हैं छोटी सी वीडियो जरूर बनी है, मौके से भाग जाता है ये गाड़ी वाला। स्विफ्ट गाड़ी थी, ग्रे रंग की, दिल्ली नंबर था, जिस कारण ये हादसा हुआ है वो मौके से फरार जरूर हो जाता है। भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर? बिल्कुल होनी चाहिए जी, अगर कुछ भी हो जाता, कोई भी हादसा हो जाता। हाँ। अगर एक बात आप बताओ सर, आप खुद अगर ये ड्राइवर साहब किसी बस वाले को मार देते हैं, किसी गाड़ी वाले को मार देते ना, इनकी गलती नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन भी सवाल उठा देता, हम जनता भी सवाल उठा देते कि रोडवेज के कर्मचारी जो है निगम में है, लेकिन ये भाई साहब नहीं है। आज इन्होंने भगवान बने के सबको बचाया, भगवान का रूप लिया, सबकी जान बचाई। बिल्कुल है जी, जब किसी भी को रोच नहीं आई, भगवान का रूप तो आई है, इनसे बढ़ के थोड़ी कुछ होगा।
अगर मान लो किसी को कुछ भी अनहोनी हो जाती तो जिम्मेवार तो ये थे। बिल्कुल बिल्कुल, सारे तो सवाल यही उठाते ना। सवारियों का शुक्र है, कह रहे हैं कि भगवान बनकर ड्राइवर ने आज काम किया है, सभी की सभी 40 से 50 सवारियों की जान बचाई है। जी हाँ, दिल्ली नंबर गाड़ी थी, स्विफ्ट गाड़ी थी, जिस कारण यह हादसा हुआ उसको रोकने का भी प्रयास जो है वो किया गया, पर वो मौके से फरार हो जाता है। बस देख सकते हैं किस तरह से खदानों में उतर चुकी है, हरियाणा रोडवेज की बस थी, बाल बाल सवारियां बची, हालांकि बच्चे जो हैं आप देख सकते हैं इन्हीं के जो यहाँ पर सवारियां हैं इसी बस की, वो यहाँ पर अभी मौजूद जो हैं। माता जी चोट तो नहीं आई? चोट तो नहीं आई, शुक्र रहा भगवान का, बचाव रहा है, दया जी। आप देख सकते हैं माता जी भी सवार थे इसी बस के अंदर, सभी लोग सुरक्षित है, भगवान का शुक्र रहा है बहुत। हालांकि जो सवारी थी उनका ये कहना है कि ड्राइवर ने भगवान बनकर काम किया है। जी हाँ, सभी की जान जो है वो बचाई गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं बस के किस तरह से सड़क से लगभग 15 से 20 फुट आगे अंदर चली जाती है और स्विफ्ट गाड़ी वाला मौके से फरार हो जाता है। बताएंगे अभी जो है पहुंच रहे हैं आप। सर ये मौके पर हमें 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें बताया था कि एक बस जो एक गाड़ी को बचाने के उसमें एक साइड में उतर गई है, और मौके पे आके देखा है तो गाड़ी का नंबर भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, जो नंबर था एक भाई ने फोटो क्लिक की हुई है उसकी वीटी करवा दी गई है, और सभी सही सलामत है, किसी को कोई चोट वगैरह नहीं आई है, बाकी जैसे कंडीशंस है आपके सामने है। जी जी, और इसके बारे में कंट्रोल रूम को और लोकल पुलिस चौकी को भी बता दिया गया है, वो अभी थोड़ी देर में आप तक पे आ जाएंगे और आगे की जो भी कार्रवाई रहेगी बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी ने ओवरटेक किया था जिसको बचाने के चक्कर में बस वाले ने अपनी थोड़ी समझदारी से काम लिया है और साइड में उसको उतारना पड़ा, और किसी को चोट फेट नहीं आई है, सभी सही सलामत। काले रंग की स्विफ्ट बता रहे हैं? जी ब्लैक कलर स्विफ्ट है, दिल्ली नंबर है 95 नंबर है। तो सर जैसे अभी आगे जो है कई जो है पोस्ट भी आती है, तो क्या उन्हें वहाँ पर क्या रोकने के लिए कोई ओबीटी जो की गई है? जी सर, कंट्रोल द्वारा भी सभी को सूचित कर दिया गया है, बाकी जैसे भी किसी को राउंड अप के लिए बोला गया है सभी को, जैसे भी जो भी आगे सर सवारी सुरक्षित हैं? जी सर, मैम अभी बता दिया गया है, आगे क्रेन को बुलवाया गया है और आगे की जो भी सवारी हैं सुरक्षित हैं? सभी सुरक्षित है, किसी को कोई चोट फेट नहीं है, जान माल की कोई नहीं है। कितनी सवारियां थी इसमें? लगभग 35-40 सवारियां थी और जिनको कोई चोट फेट नहीं लगी है, सभी सेफ है। देख सकते हैं फिलहाल प्रयास जो है सवारियों को दूसरी बस में बिठाने का किया जा रहा है, कंडक्टर द्वारा भी प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है ताकि इन्हें जल्द से जल्द दूसरी बस में बिठा कर यहाँ से ले जाया जा सके। और देख सकते हैं किस एक छोटी सी गलती के कारण किस तरह से 40 लोगों की जान की परवाह नहीं की उस गाड़ी ने और मौके से भाग जाता है। स्विफ्ट गाड़ी थी, ग्रे कलर की, DL3CCL80 कुछ नंबर था, मैं आपको नंबर पूरा दिखाऊंगा आगे तस्वीरों के अंदर, पर आप देख सकते हैं किस तरह से अब यहां से दूसरी बस के अंदर जो है वो बिठाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से भिजवाया जा सके। आप कंडक्टर हैं जी? कंडक्टर आप हैं जी, क्या हुआ था भैया एक बार बताओगे? ये सर सडनली कोई स्विफ्ट कार थी, हाँ जी, वो आगे आ गई, हाँ जी, तो ड्राइवर पहले से ड्राइवर उस पट्टी पे चला हुआ था, उसे सडनली आगे ले आया जी, उसको बचाने के चक्कर में भी ड्राइवर ने साइड कट लिया और फिर वो अनबैलेंस होकर नीचे से तो एकदम ब्रेक मार दी उसने, या क्या हुआ था ऐसा? हाँ, वो एकदम आगे ले आया, आगे ले आया, ब्रेक भी लगा दी और आगे ले आया। तो कितनी सवारी थी इस गाड़ी में? इसमें करीबन 50 के 50 थी। तो चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट नहीं लगी किसी को, ये ठीक है, शुक्र है भगवान का, किसी को चोट नहीं लगी। तो बस का नुकसान हुआ है? भाई बस का तो देखो होना ही है नुकसान, ठीक है। तो किसी जो बंदे है उसने उसको नंबर नोट कर लिया, हम तो उसका नोट करने नहीं, एक लड़के ने उसका नंबर नोट कर लिया था, क्योंकि आपको बता भी दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं उसके खिलाफ? भाई कार्रवाई होनी चाहिए, ये रफ ड्राइविंग करते हैं, प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे 40-50 जानों की जान जोखिम में जा सकती थी, बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो ये भाई ये ठीक है, शुक्र है बस पलटी नहीं, जी जी, चोट लग सकती है, ये ठीक है, ड्राइवर की कार्य कुशलता लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान का रूप लिया आज ड्राइवर ने, मानते हो? बिल्कुल डेफिनेटली, और ये भगवान का शुक्र है कि यहाँ पे सारी सवारियाँ बच गई हैं। आप देख सकते हैं बस के कंडक्टर यहाँ पर थे, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम संदीप है। देख सकते हैं उनका ये कहना है कि सभी की सभी जान जो है वो बची जरूर है, अगर बस पलट भी जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जी हाँ, मासूम छोटे छोटे बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, फिलहाल ड्राइवर कंडक्टर यहाँ पर मौजूद हैं और डायल 112 की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ से क्रेन की सहायता से बस को निकलवाया जाएगा और जो कार चालक है उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने जो है वीटी करवा दी है उस गाड़ी के खिलाफ ताकि जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो की जा सके। लगते थाने के आईओ को भी यहाँ पर बुला लिया गया है। अपील आप सभी से करूंगा, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।